नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल लेटेस्ट जॉब अपडेट्स में बहुत बहुत स्वागत है। हम यहाँ लेकर आते हैं लेटेस्ट जॉब अपडेट्स आपके लिए। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि लेटेस्ट वैकेंसी जॉब्स की पूरी जानकारी पाने के लिए कृपया इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए दोस्तों, आज के वैकेंसी के बारे में बात करते हैं। राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड पटवारी की पोस्ट निकली है, जिसमें 4,207 पोस्ट मांगी गई है। ऑल इंडिया लेवल पर कोई भी आवेदक इसमें आवेदन कर सकते हैं, जिसका मिनिमम पे स्केल 20,800 रुपये रखा गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस वैकेंसी के बारे में और भी जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे कि हम लोग यहां पर देखते हैं दोस्तों कि राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जयपुर पटवारी रिक्रूटमेंट निकला हुआ है। संगठन का नाम जो है, जिसे ऑर्गेनाइजेशन जो कर रहा है, राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड कर रहा है, जिसमें कुल पदों की संख्या 4,207 रखी गई है। आवेदित पदों का नाम पटवारी रखा गया है और इसकी शैक्षणिक योग्यता किसी भी संकाय से ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ ही साथ ओ लेवल कंप्यूटर में कोपा डिग्री होनी चाहिए या डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस या BCA वगैरह होनी चाहिए, उसके इक्विवेलेंट कोर्स होने चाहिए, यानी कि कंप्यूटर के लेवल की स्नातक डिग्री आपके पास होनी चाहिए। जिसका वेतनमान की अगर बात की जाए तो इसमें लेवल 5 का वेतनमान रखा गया है, जिसका मिनिमम पे स्केल 20,800 रुपये रखा गया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पर इसमें आयु सीमा की जहाँ तक बात की जाए तो मिनिमम इसमें 18 साल और मैक्सिमम 40 साल 1 जनवरी 2020 तक रखा गया, यानी कि वे आवेदक जिसकी आयु कम से कम 18 साल और अधिकतम 40 साल हो और जिसकी आयु 1 जनवरी 2020 से गणना की जाएगी, यानी कि 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए 1 जनवरी 2020 के लगभग में। आवेदन का शुल्क अगर कहा जाए कि एप्लीकेशन का फीस कितना है, तो जनरल OBC क्रीमिलियर कैंडिडेट के लिए 450 रुपये रखा गया है। अदर स्टेट्स यानी कि अन्य राज्यों से भी आवेदक इससे अप्लाई कर सकते हैं, उन्हें 450 रुपये पे करना होगा। अदर नॉन क्रीमिलियर यानी कि जो अदर नॉन क्रीमिलियर कैंडिडेट है, उन्हें 350 रुपये देना होगा। ST/ST कैंडिडेट को 250 रुपये देना होगा। ठीक है दोस्तों, और एक बात इसमें बताना चाहूँगा, इसमें जो अदर स्टेट का ऑप्शन रखा गया है, उसमें अगर सभी आवेदक आवेदन करते हैं तो उन्हें जनरल ही माना जाएगा, यानी कि वे 450 रुपये ही लोग पे कर पाएंगे, उन्हें ST/ST के हिसाब से नहीं दिया जाएगा। इसमें सिर्फ राजस्थान का ही ST/ST का नियम लागू होगा। अगर सिलेक्शन का माध्यम का बात की जाए तो इसमें रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद होगा इंटरव्यू, यानी कि पहले लिखित परीक्षा ली जाएगी, उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू लिया जाएगा, उसके बाद सिलेक्शन की प्रक्रिया आगे की जाएगी। और आवेदन शुल्क अगर जमा करने का माध्यम का बात किया जाए तो इसमें ई मित्रा के द्वारा भी पेमेंट किया जा सकता है, और डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से भी आप ऑनलाइन इसमें फ़ी पे कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर ऑनलाइन का आवेदन का माध्यम से बात किया जाए तो ये ऑनलाइन मोड के द्वारा ही ये आवेदन किया जा सकता है, किसी भी माध्यम से पत्राचार या ऑफलाइन के द्वारा आवेदन नहीं किया जा सकता। इसमें जॉब क्षेत्र यानी कि कार्य क्षेत्र का अगर बात की जाए तो इसमें जॉब जो लगेगी वो राजस्थान राज्य में लगेगी। इसकी आधिकारिक वेबसाइट का लिंक मैंने यहाँ पर दे दिया है, आप स्किप करके भी इसे देख सकते हैं। अब महत्वपूर्ण तिथियों की अगर बात की जाए तो महत्वपूर्ण तिथियों नोटिफिकेशन जो इसका जारी हुआ है वो 5 दिसंबर 2019 को जारी हुआ है। एप्लीकेशन भी यानी कि आवेदन को ऑनलाइन आवेदन करने का डेट 20 जनवरी 2020 से चालू है। लास्ट डेट आवेदन करने का 19 फरवरी 2020 तक है। लास्ट डेट एग्जाम पे का जो है वो भी 19 फरवरी 2020 है। एग्जामिनेशन का डेट अभी यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं हुआ है और एडमिट कार्ड भी अभी नोटिफाई सुन, यानी कि एडमिट कार्ड का भी डेट और एग्जामिनेशन का डेट बहुत जल्द दिया जाएगा। आवेदन करने का लिंक भी 20 जनवरी 2020 को एक्टिवेटेड होगा, या फिर ये लिंक जो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में अपडेट वहाँ पर कर दूँगा, आप देख सकते हैं। जहाँ तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन की अगर बात की जाए तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड यहाँ नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं, 5 फरवरी 2019 को जारी हुआ है। पटवार सीधी भर्ती के बारे में दिया गया है यहाँ पर, और देख सकते हैं कि इसमें पद का नाम और विभाग दिया गया है यहाँ पर, और साथ ही पद संख्या, आयु कब से कब तक के बीच में होनी चाहिए, वेतनमान और परीक्षा शुल्क दिया गया है। तो पद का नाम इसमें पटवारी विभाग राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर, कुल 4,207 पद रखे गए हैं, जिसमें न्यूनतम 18 साल और अधिकतम 40 वर्ष। पे मैट्रिक्स लेवल 5 का होगा, जैसे मैंने पहले बताया था 20,800 मिनिमम पे स्केल होगा। सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 450 रुपये, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमिलियर के लिए 350 रुपये, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांगजन, सभी श्रेणी जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 2.5 लाख से कम रुपये है, उन्हें 250 रुपये का शुल्क दे होगा। साथ ही साथ अगर शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक कैंडिडेट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट सेल प्रोसेस, बैचलर डिग्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी, स्टेबलाइज बाय लॉ और एनी अदर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज बाय गवर्नमेंट एंड ओ लेवल हायर लेवल सर्टिफिकेट कोर्स कंडक्ट बाय NIELIT न्यू दिल्ली, DOESEC अंडर कंट्रोल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी कि आप जो यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें कैंडिडेट को
अपनी जो स्नातक की डिग्री होनी चाहिए वो कंप्यूटर लेवल की होनी चाहिए। तो उसमें और भी यहाँ पर कंडीशन लगाइए कि आप कौन कौन से कंप्यूटर के स्नातक डिग्री हो सकते हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आप इसे स्किप करके भी देख सकते हैं, और नहीं तो फिर डिस्क्रिप्शन बार में भी मैं इसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके भी आराम से देख करके पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद एक और ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटेन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड नॉलेज ऑफ राजस्थानी कल्चर, यानी कि जो आवेदक आवेदन करेंगे उन्हें कंप्यूटर में हिंदी लिखने का ज्ञान भी होना चाहिए, देवनागरी लिपि का, और राजस्थानी भाषा का भी और संस्कृति का भी ज्ञान होना चाहिए। साथ ही साथ में यहाँ पर देखते हैं कि रिक्त पदों की संख्या में कमी या वृद्धि, आरक्षण संबंधी प्रावधानों के संबंध में राज्य सरकार के नवीनतम नियमों के अनुसार परिवर्तन किया जा सकेगा, यानी कि जो वैकेंसी पटवार के लिए निकली हुई है इसमें किसी प्रकार की कमी या वृद्धि की जा सकती है कभी भी। तो इसका जो है नोटिफिकेशन बीच बीच में अपडेट्स देते रहेगा वेबसाइट में, जो मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ भी आप बीच में देख सकते हैं। आवेदन करने की अवधि के बारे में बताया गया है, परीक्षा शुल्क सहित आवेदन दिनांक 20 जनवरी 2020 से दिनांक 19 फरवरी के मध्य रात्रि तक 11:59 तक भरे जा सकेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर एक नोट भी दिया गया, आवेदकों को सलाह दी जाती है कि अंतिम दिन का इंतजार किए बिना निर्धारित समय के भीतर ऑनलाइन आवेदन कर लें, यानी कि जो डेट बताया जा रहा है कि लास्ट डेट जो बताया गया कि 19 फरवरी 2020 है, उससे पहले ही लगभग कर लेना चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम में सर्वर प्रॉब्लम वगैरह की प्रॉब्लम से भी बचा जा सके। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर दिया है परीक्षा का मावा स्थान के बारे में, परीक्षा जो बोर्ड द्वारा आवंटित क्षेत्र पर ही करवाई जाएगी, परीक्षा की तिथि और समय ये भी अलग से प्रकाशित किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अन्य सूचना के बारे में यहाँ पर आवेदन की प्रक्रिया और भी कुछ अपडेटन के संबंधी आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट जो यहाँ पर दिया हुआ है इसे आप पर आप जा कर के भी देख सकते हैं। दोस्तों इसी तरह के लेटेस्ट जॉब अपडेट्स वीडियोज़ पाने के लिए कृपया हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक पहुँचती रहे।